नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, आज हरियाणा आज में फिर से हम लोग अपनी ये साप्ताहिक चर्चा अर्थात तीसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं। कोरोना का विषय तो हर बार हम ध्यान करते ही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आंकड़ों में वृद्धि होती है। आज के वर्तमान आंकड़े कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 854 हो चुके हैं, जिसमें से 466 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, 375 लोग अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं, 375 एक्टिव लोग हैं जो कम से कम 15 दिन अस्पताल में ज़रूर रहना होगा। कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर मैं रिकवरी रेट अर्थात जो ठीक होने वाले लोगों की प्रतिशत ये गिनता हूँ तो 54.56% हमारा आज का ये आंकड़ा है, जबकि केंद्रीय स्तर के ऊपर ये लगभग 32% का आंकड़ा आता है। आज हमारी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट का दर है, वो प्रति 10 लाख यानी प्रति मिलियन 2853 हो गया है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा ऐसा माना जा सकता है। भाइयों बहनों, जैसा कोरोना का एक लंबा समय ये चल रहा है, लॉकडाउन 1, 2 और 3, 17 तारीख को 3रा लॉकडाउन भी समाप्त होने वाला है और 4th लॉकडाउन ऐसा माना जाता है कि 17 के बाद अवश्य ये घोषित होगा, क्योंकि ये महामारी इस प्रकार की है कि इसमें लगातार हमको अपनी गति को बनाए भी रखना है और कुछ चीज़ों पर रोक भी जारी रखनी है। तो हमें केंद्र से जो निर्देश मिलते हैं उनका हम बहुत ही ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं और मुझे इस बात की संतोष भी है आपको बताते हुए कि हम अपने आसपास के प्रांतों की स्थिति में बेहतर स्थिति में हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो। तो हम लोग अपने आप को बचा करके किस प्रकार से इस महामारी के दौर में आगे बढ़ पाते हैं, ये हम सबको मिल करके सोचना होगा। इसी कड़ी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इसकी घोषणा की है और वो घोषणा अपने देश को आत्मनिर्भर करने के लिए अर्थात आत्मनिर्भर भारत इस बात को ध्यान में रख करके ही की गई है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम लोगों ने बजट बनाया था, बजट से पूर्व मैंने 4 शब्दों का उल्लेख किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। हम अभी यदि स्वावलंबन की बात करें तो उसी स्वावलंबन की ओर भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर उल्लेखित एक जो अपना फैसला किया है 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, और इस पैकेज की लगातार जानकारी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वो हमको लगातार दे रही हैं। आज भी उन्होंने कुछ बातों पर चर्चा की है, उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कृषि, हमारा मजदूर, हमारा छोटा उद्योगपति अर्थात MSME का जो उद्योगपति है, हमारा छोटा दुकानदार, रेड़ी फड़ी वाले व्यक्ति, हमारे सामान्य नागरिक, इनकी सबकी जो चिंता है वो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में निश्चित रूप से एक प्रकार से उनका हल निकालने के लिए बहुत से प्रावधान इसमें किए गए हैं। यदि मैं कृषि की बात करता हूँ तो हमारे किसान कुल लगभग 16 लाख किसान हैं और इन 16 लाख किसानों को जो एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की, 16 लाख नहीं, सारे देश भर के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और ये एक घोषणा इसके अंदर की गई है। इसमें हमको लगता है कि 1000 करोड़ रुपए का योगदान इसमें निश्चित रूप से हमारे लिए भी होगा और हम अपने प्रदेश के किसानों को भी उनका लाभ पहुंचा सकेंगे। पहला विषय जो हमने तय किया है कि अभी तक जो कृषि का फसल ऋण जो उपलब्ध होता था, ये फसली ऋण केवल जो भूमि मालिक होते थे उन्हीं के नाम से KCC कार्ड बन करके उनको मिलता था। अब हमने हरियाणा में तय किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो ठेके पर जमीन लेते हैं अर्थात जो काश्तकार होते हैं, ये फसली ऋण
बैंकों से उनको भी मिल सकेगा ताकि अपनी फसल की कटाई करने के बाद वो उस ऋण को उतार सकते हैं। इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी जमीन के मालिक को कोई खतरा नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि काश्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे जमीन की मलकियत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियाणा के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं और ये जो लाभ हैं जितने भी वो उस ठेके पर जमीन लेने वाले व्यक्ति को भी उसका अतिरिक्त ये लाभ मिल सकेगा। हम लोग मंडियों के अंदर अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं, अभी भी प्रोक्योरमेंट का सीजन चल रहा है, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस घोषणा में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया ये रखा गया है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जितनी भी व्यवस्थाएं या जितने सुधार, जितना प्रबंध वो करना होगा, विशेष तौर पर क्रॉप डायर अर्थात फसलों को सुखाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉइस्चर एक बहुत बड़ी बाधा प्रोक्योरमेंट में होती है। तो उस मॉइस्चर को ठीक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक उसका अनुपातिक जो आवश्यकता है वहाँ तक लाने के लिए फसलों की सुखाने की दृष्टि से वहाँ क्रॉप डायर लगाए जाएंगे, ये योजना भी हमने बनाई है। मुझे खुशी है कि भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा में पिछले 3 वर्ष से हमने चलाई है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पैकेज के अंदर शामिल किया है और इसको सारे देश भर में लागू करने की बात कही है। हमारे यहाँ FPOs जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, 500 के लगभग पहले से बनी हैं। इस घोषणा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसका बजट और बढ़ाया है और इसको लागू करते हुए हम अपने 500 FPOs को 1,500 FPOs तक अर्थात 1,000 नए FPOs और बढ़ाएंगे और इसका प्रावधान भी हमको इस पैकेज में मिलेगा। और इसमें जो हमारे छोटे किसान हैं सब मिल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी फसलों की बिक्री ये आसानी से कर पाएंगे। किसान अपना साइड बिजनेस के नाते, अतिरिक्त आय के नाते मछली पालन, इसको भी कई बार छोटा किसान करता है, तो मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये बनाई गई है। और इसमें विशेष तौर पर जो क्षारीय जमीन है, शोरे वाली जमीन है, इस जमीन में हमारे मछली पालन के केंद्र बढ़ाए जाएंगे। केंद्र का 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें 400 से 500 करोड़ रुपए तक का लाभ ये हरियाणा के हमारे किसान मछली पालक ये भी उठा सकेंगे और हमारी जो जमीन है, जो शोरे वाली जमीन, क्षारीय जमीन, इसको ठीक करने का मौका भी हम इसमें मिलेगा। इसी प्रकार पशुपालन, पशुपालन के नाते से दूध से बनी चीज़ें, दूध से बने उत्पाद, चाहे उसमें घी है अथवा खोया है, उसमें दूध का पाउडर है, दही है, लस्सी है, खीर है, मक्खन है आदि, ये सब चीज़ें इस प्रोसेसिंग के लिए भी पशुपालन विभाग को एक बहुत बड़ी राशि, ये सस्ते ऋण और अनुदान ये भी घोषित किए गए हैं। दूध की पैकिंग, ताकि पैक्ड दूध ये भी बाज़ार में बेचा जा सके, इसका भी प्रावधान हमारे इस पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किया है। पशुपालन और मछली पालन, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर ही KCC किसान क्रेडिट कार्ड इनको भी जारी किए जाएंगे ताकि ये भी अपने उस कार्ड का ये लाभ उठा सकते हैं। कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिसको हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस प्रकार के कृषि और किसान कल्याण के नाते से ये जो चीज़ें घोषित की हैं, इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको मिलेगा। मंडियों का सुदृढ़ीकरण, मंडियों में अभी जो हमको कठिनाई आती है, आगे चल करके मंडियों का विस्तार भी होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है, हमारी फसल जो किसान की होती है वो सीधा खेत से बिक्री हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ ऐसा करने का एक प्रावधान भारत सरकार ने करने की घोषणा की है। तो ऐसी फूड प्रोसेसिंग के नए नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी इंडस्ट्री में जो लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इसको बढ़ावा देने के लिए अब नई योजना बनाई है कि 22 जिले हमारे हरियाणा के, इन 22 के 22 जिलों में 22 क्लस्टर्स अलग अलग कैटेगरी के, इसकी हमने घोषणा की है। और 22 क्लस्टर भी विशेष रूप से जो हमारे नौजवान को व्यवसाय दे सके, उनको एक प्रकार से रोजगार मिल सके, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ का जो कच्चा माल है, किसान की का उत्पाद है, उसमें रॉ मटेरियल के नाते से लग सके, ऐसे सब
प्रोसेसिंग के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, इनको भी हम लगाएंगे। छोटा उद्योग, इसकी ओर भी हम ध्यान करेंगे। तो इसके लिए वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए हमने उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है इसके आधार पर भी इसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि बहुत वर्कर अब जो इंडस्ट्री में से शायद उनको अपने अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उनको अपने काम से बाहर हटा दिया गया है क्योंकि उद्योग बंद हुए हैं, ऐसे जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं, बाहर निकाले गए वर्कर्स हैं, इनकी स्किलिंग का एक विशेष प्रोग्राम चलाएंगे ताकि अब नई आवश्यकताएं जो खड़ी होंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि इस कोरोना के पीड़ के बाद व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव होंगे, रहन सहन का तरीका बदलेगा, चीज़ें उनकी जो आवश्यकता है वो बदलेगी, उपलब्धता है वो बदलेगी, तो नई आवश्यकता के हिसाब से नए क्षेत्र के उद्योगों के लिए इन मजदूरों की स्किलिंग, इन कर्मचारियों की स्किलिंग, इसका नया प्रावधान करने के लिए भी इस पैकेज के अंदर एक व्यवस्था की गई है, इसका भी हम अपने यहाँ बहुत बड़ा उपयोग करेंगे और उठाएंगे। हम लोगों ने एमएसएमई का जो दायरा है, यानी इसी पैकेज में ये कहा गया कि उनका दायरा बढ़ाया गया है, जो सूक्ष्म और छोटे दायरे वाले जितने भी एमएसएमई थे उनका दायरा बड़ा किया गया है, उनको ज़्यादा काम करने का इसमें अवसर मिलेगा और इसमें कोलेट्रल फ्री बिना गारंटी के 3,00,000 करोड़ रुपये की राशि इसका प्रावधान किया गया है ताकि ये लोग अपनी पूंजी को बढ़ाकर, अपनी आवश्यकता, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ा करके अपने काम के दायरे को बढ़ा सकते हैं और अच्छा उत्पाद, क्वालिटी का उत्पाद पैदा करके और मेक इन इंडिया का जो एक सपना है बहुत बड़ा, हम अपने यहाँ अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें और साथ में इसको निर्यात भी कर सकें, ऐसा एमएसएमई का दायरा इसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा इसमें की गई है। इसी में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले एमएसएमईज हैं, बहुत एमएसएमईज कंपटीशन में आकर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको और बढ़ावा देने के लिए, यानी अच्छे को भी और अच्छा बनाने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए इसका पूंजी निवेश करने की एक व्यवस्था की है, जिसमें से 1,000 से लेकर 2,000 करोड़ रुपए तक का लाभ ये हरियाणा के एमएसएमई को भी होगा। जिन एमएसएमईज की वित्तीय हालत खराब हो गई है, बहुत अवसर ऐसे आते हैं किन्हीं कारणों से व्यवस्था खराब होती है, उनको पुनः उभारने के लिए अलग से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है। हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे ऐसे जो लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, उनको बहुत कठिनाई आती है नए मकान खरीदने के लिए, इनके लिए एक नई व्यवस्था का घोषणा की गई है कि एक रेंटल हाउसिंग स्कीम, इस रेंटल हाउसिंग स्कीम में भी हम लोग जो मकान नहीं खरीद सकते वो लोग रेंटल हाउसिंग स्कीम जो सरकार द्वारा भी चलाई जाएगी, अलग अलग से जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी चलाएंगे, तो उन स्कीमों के आधार के ऊपर इसका लाभ वो लोग उठा सकेंगे। अभी नए मकानों के लिए एक विशेष पैकेज 70,000 करोड़ रुपए का इसका भी प्रावधान किया गया है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक सबको आवास मिले ऐसी एक योजना बनाई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में तो बल्कि हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है, हाउसिंग फॉर ऑल नाम का अपना एक विभाग भी बना दिया है, उसकी मिनिस्ट्री अलग से होगी और जिसकी देखरेख मैं स्वयं करूंगा, इसलिए हम आने वाले समय में किसी के पास निश्चित रूप से अपना घर हो, उसके सिर पर छत हो, इसकी चिंता हम करेंगे। फिर भी जो लोग नहीं लेना चाहेंगे, बहुत लोग ऐसे भी ध्यान में आते हैं जो स्वयं अपना मकान अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेना चाहते, जानबूझकर नहीं लेना चाहते, उनको किराए के मकानों की व्यवस्था भी जैसे मैंने बताया रेंटल हाउसिंग स्कीम ये चलाई जाएगी, तो इसलिए हर किसी को मकान मिले हाउसिंग फॉर ऑल का डिपार्टमेंट ये भी हमने अलग से बनाया है। रेड़ी फड़ी वालों को भी प्रधानमंत्री जी नहीं भूले, उनको भी उन्होंने ये कहा कि 10,000 रुपया उनको भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो बैंक से सस्ती दरों पर लोन ले सकें बिना कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के, ये व्यवस्था भी उन्होंने उसमें की है। तो इस प्रकार इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के समय में इतना ही एक संकल्प कर सकते हैं कि हम अपनी इस कोरोना के समय का जो समय है, इस समय का किस प्रकार से अच्छा उपयोग करें, क्योंकि हमको मालूम है कि कोरोना एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें अपने सारी सिस्टम बदलने पड़ेंगे, हमको चूँकि सारा एक व्यवस्था ये रुक सी गई है, थम सी गई है, तो बिल्कुल हम बंद नहीं हुए हैं, हम थोड़ा थमे हैं, हमें आगे बढ़ना है, चलना है,
तो थोड़े सिस्टम बदल करके हमको चलना पड़ेगा। हमारी अर्थ की व्यवस्था जैसे बदली है, इस बदलने की यानी व्यवस्था को हम बदलेंगे, हम इसको बनाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, एक सिद्धांत बना करके चलेंगे आर्थिक स्थिति उसको बेहतर करने के लिए। पुराने जितने भी नियम हैं उन नियमों को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, कानून को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, लेकिन समय की आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि हमें अपना वे ऑफ लाइफ ये बदलना होगा। एक स्थान पर रहकर हम अपने काम ज्यादा कितने कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम कितने काम कर सकते हैं, इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। तो जैसा समय होता है उसकी समय की पुकार के हिसाब से आगे बढ़ना, ये हमारा धर्म है। इसलिए हम इन सब चीजों को बदलते हुए, मुख्य बात वो ये कि हमको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग ये बना करके रखनी है, इसको कोई भी यानी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का एक जो अर्थ दिया था प्रारंभ में, मुझे ध्यान में है पहले अपने भाषण में, कोई रोड पर नहीं कोरोना, कोई रोड पर ना जाए। मैं आज थोड़ा सा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी से क्षमा मांगते हुए इसकी एक नई परिभाषा मैं करने जा रहा हूँ, कोरोना कोई हमको कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा कोरोना है। हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है तो एक सिस्टम बना के बढ़ना है। अब निश्चित रूप से दो दिन के बाद फोर्थ लॉकडाउन, इसकी कुछ योजना बनेगी और उस योजना में हम लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी, लेकिन छूट मिलने का अर्थ नहीं है कि हम पहले वाली सब चीज़ें जैसा फ्रीली करते थे उस प्रकार से करने के बजाय उसके अंदर जितने भी निषेध रखे जाएंगे, जितनी उसके अंदर व्यवस्थाओं को बताया जाएगा कि इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, उन सूचनाओं का अक्षरशः पालन करना, अनुशासन बना के रखना है, इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, इसको ठीक करने के लिए सब कुछ खुली छूट दी जाए। मेरा कहना है हमारी प्राथमिकता आर्थिक व्यवस्था ठीक करने की हो सकती है, लेकिन ये छोटी प्राथमिकता है। बड़ी प्राथमिकता कोरोना को रोकना है, कोरोना का संक्रमण ना हो, ये हमारे सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर हम कहीं कोरोना के चक्र में फंसे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था को कोई भी नहीं संभाल सकता। कोरोना से बचना, अर्थव्यवस्था को चालू रखना, बीच का रास्ता जैसा हमको ध्यान में आता वैसा लागू करना, इन चीज़ों के ऊपर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको एक सम्यक अपना रास्ता जीवन बनाने के लिए लाभ मिलेगा। एक लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई ये एक प्रकार की हमें समय के बदलाव के हिसाब से हमने लड़नी है। बदलाव जो होता है हम जानते हैं, बदलाव जीवन का एक सौंदर्य है। अगर बदलाव अब आया है, इसमें कोई कठिनाई आई है, तो इसको कष्ट के रूप में न लें, बल्कि इस बदलाव के समय पर इस बदलाव को स्वीकार करके और जीवन का आनंद इस रूप में इसको लें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा। कोरोना हारेगा, भारत से भागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।